हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो। लेकिन जो राजनेता हैं उनकी ज़रूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है। हमारी मजबूरी नहीं है, हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे। कि गाय ही राम को लेके आई थी और वो गाय काटी जा रही है, और हम राम जी की प्रतिष्ठा करके उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं। अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। धार्मिक गुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है, कार्यक्रम जो है भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह है, मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं, मैंने अपना पक्ष रख दिया। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पहले शंकराचार्यों के बहिष्कार के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर। दरअसल उत्तराखंड के ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राम मंदिर उद्घाटन समारोह में चारों शंकराचार्य शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा ओडिशा के जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम को शास्त्रों के विरुद्ध बताया, जिसके बाद से इसी राशि पारा हाई हो गया है। शंकराचार्यों ने राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार किया तो कांग्रेस बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि किसी भी स्थापित धर्मगुरु ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया है, उन्होंने कार्यक्रम को शास्त्रों के विरुद्ध बताया है। पहली बात तो यह है कि निमंत्रण जितने लोगों को गया उनमें से कितने लोगों ने वहां जाने के लिए इजाजत मतलब जाना चाहने की उनकी परमिशन दी, अपने खुद का उन्होंने कहा है हम लोग जाएंगे, स्वीकार किया है, कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्मगुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं, मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। उन्होंने तो इसे भाजपा का एक आयोजन बना दिया, विश्व हिंदू परिषद का आयोजन बना दिया। वही दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संदीप दीक्षित ने भी राम मंदिर कार्यक्रम में शंकराचार्यों के न जाने पर सवाल उठाया है और बीजेपी से तीखा सवाल पूछा है। issue they want to use for their political benefit. And please ask anybody on the streets of India. They will say, yes, this is an event that BJP is trying to use for their political advantage. So that part of the Congress to say that they are wanting to use it politically is correct. As far as attending or not attending is concerned, the four most important figures in Hindu dharma, Sanatan dharma, whatever you want, might want to call it, whatever is the terminology you would like to use, are the four Shankaracharya. Not only now, for hundreds and thousands of years. None of those four, as far as I am reported, are going. Why does the BJP not question them? And the BJP at least must tell the people of India why the four most important figures are not coming there. Have they asked them? Have they clarified why these four are not going? Two, three of them have come on television and given extended interviews as to why they are not coming in. Has the people organizing this event or the people in the BJP or others dared to even answer those questions? Those are very, very important. It's far more important in a function like this for the four Shankaracharya to attend than any other personality. I mean, other people are also important. But for this, the four Shankaracharya would perhaps be, in fact,
the whole event should have been organized around these four or under their guidance and their blessings. गौरतलब है शंकराचार्य निवशलानंद सरस्वती ने राम मंदिर कार्यक्रम को शास्त्रों के विरुद्ध बताते हुए कहा था कि स्कंद पुराण के अनुसार अगर नियमों और रीति रिवाज का पालन ठीक से नहीं किया जाता है तो प्रतिमा में बुरी चीजें प्रवेश कर जाती हैं और उस क्षेत्र को नष्ट कर देती हैं। और राम जी सेकुलर नहीं है, शास्त्रीय का ध्यान रखते हुए साथ सम्मत विधा से ही प्रतिष्ठा होनी चाहिए और पूजन का भी क्रम होना चाहिए, अन्यथा देवता का जो तेज है तिरोहित हो जाता है और वह तिरोहित हो जाने पर डाकनी साकनी भूत प्रेत पिशाच अर्चा विग्रह या मूर्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शास्त्रीय विधा से ही सब काम होना चाहिए। महाराज जी आप जाएंगे क्या? जैसा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, अयोध्या तो जाता रहता हूं, जाता रहूंगा, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हूं। कारण कुछ नहीं, हमारे पास निमंत्रण आया था, एक व्यक्ति साथ ला सकते। इसी को लेकर के क्या है? इसी को लेकर मैं कोई नाराज नहीं होता, मेरी आप अच्छा महाराज जी अपनी नीति है, मेरा अपना सिद्धांत, उस कार्यक्रम में मैं जाके क्या करूँगा। महाराज जी इससे जो संत समाज है या जो सनातन धर्मी है इनमें कोई मनमुटाव तो नहीं हुआ कि आप नहीं जा रहे हैं, धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम में? धर्मगुरु नहीं पहुंच रहे हैं तो सबको पता ही है, कार्यक्रम जो है तो भारत के प्रधानमंत्री जी गर्भगृह में होंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, प्रतिष्ठित करेंगे, इसको राजनीतिक रूप दिया ही गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह इसके अलावा शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुए बिना भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करना सनातन धर्म के नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं रह सकते हैं। हम चाहते हैं कि विधि विधान के साथ काम हो, पूरा मंदिर बन जाए, फिर प्रतिष्ठा हो, लेकिन जो राजनेता है उनकी जरूरत है कि सामने चुनाव हो, तो वो चाहते हैं कि हर जगह से हम चुनावी राजनीति में जो लाभ लेना बनता है वो ले लें, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो अभी उनको करना है, हमारी मजबूरी नहीं है। तो हमारी तो जब पूरा मंदिर बन जाएगा, विधि विधान के साथ प्रतिष्ठा हो जाएगी, और फिर हमने ये कहा है कि जब गौ हत्या बंद हो जाएगी तब हम राम जी का दर्शन करेंगे, कि गाय ही राम को लेके आई थी और वो गाय काटी जा रही है और हम राम जी की प्रतिष्ठा करके उनका दर्शन करें और उत्सव मनाएं, अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है। गौरतलब है 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। उससे पहले इस मामले को लेकर सियासत गर्म है, कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल पहले ही कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला ले चुके हैं। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।